इंग्लिश में यूटिलिटी को हम लोग कहते हैं यूजफुलनेस, बेनिफिट, पर इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जैसे कि अगर हम लोग को कोई बोलता है कि नॉर्मली कोई हम लोगों से पूछता है कि तुम ये चीज क्यों पढ़ रहे हो, इसका क्या यूटिलिटी है, तो हम लोग उसका मतलब क्या समझते हैं, क्या बेनिफिट है। यूटिलिटी का मतलब हम लोग डेली लाइफ में बेनिफिट की तरह यूज करते हैं, पर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब सेटिस्फैक्शन है। तो अगर कोई हम लोगों से पूछे, अब यहाँ इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो इसका माइंड में सेट कर लो, इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन, ना कि यूजफुलनेस। तो अगर हम लोग का रहेगा कि यूटिलिटी, तो अब मैं पूछूंगी कि ये अगर तुम पेस्ट्री खाते हो तो तुम लोगों को कितना यूटिलिटी मिलता है, तो क्या तुम लोग इसका आंसर मेरे को दे सकते हो, कितना यूटिलिटी मिला, मतलब कितना सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे अगर हर्षिता भी पेस्ट्री खा रही है और अर्पिता भी खा रही है, मैं पूछूंगी किसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये कैसे बोलोगे। हर्षिता बोलेगी मेरे को ज्यादा मिला, अर्पिता बोलेगी मेरे को कम मिला। हाँ, तो अगर अभी मैं पूछूंगी कि किसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो, हर्षिता को ज्यादा मिला, अर्पिता को उससे कम मिला, और अमन बोलेगा मेरे को मिला ही नहीं। सिर्फ हम लोग इस तरह बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन को। सेटिस्फेक्शन को कोई नंबर में नहीं बोल सकता कि मेरे को 2 सेटिस्फेक्शन मिला, अर्पिता बोलेगी मेरे को 4 सेटिस्फेक्शन मिला, अमन बोलेगा मेरे को 5 सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसे कोई बात नहीं करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर। यूटिलिटी को हम लोग नंबर में मेजर नहीं कर सकते, तो कैसे मेजर करेंगे किसी के सेटिस्फेक्शन को। तो यहाँ पे आता है यूटिलिटी का मेजरमेंट। तो इसलिए देखो हम एक डेफिनेशन लिखाए हैं यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई अ वॉन्ट। यूटिलिटी का मतलब होता है एक वांट को सेटिस्फाई करना। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड। यूटिलिटी क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम लोगों को उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, ये क्वांटिटी में मतलब नंबर में मेजर नहीं हो सकता। इट्स यूनिट इज कॉल्ड यूटिल्स, इसका जो यूनिट होता है उसे हम लोग यूटिल्स कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग पोटैटो खरीद कर लाते हैं, आलू, तो क्या कहते हैं, 2 केजी आलू, तो केजी क्या है, यूनिट है। अगर हम लोग दूध लाते हैं, लिक्विड चीज लाते हैं, तो लीटर यूज करते हैं। तो यूटिलिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिल्स। तो यूटिलिटी जब मेजर होता है तो कहते हैं 2 यूटिल्स मिला है, 3 यूटिल्स मिला है। जैसे केजी होता है, लीटर होता है, वैसे यूटिल्स होता है। तो कोई बोले यूटिलिटी का यूनिट क्या है, यूटिल्स है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब पर हमको मेजर करना है कि हर्षिता को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला पेस्ट्री खाकर कि अर्पिता को मिला। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन 2 है। इसके लिए हम लोग मेजर कर सकते हैं 2 तरीके से, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखो रियल फैक्ट अगर देखें तो ऑर्डिनल ही होता है। ऑर्डिनल का मतलब होता है विच इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। जो भी चीज नंबर में मेजर नहीं कर सकते वहां हम लोग ऑर्डिनल यूज करते हैं। पर अगर कोई भी बात किसी को सिखाना है, समझाना है, तो बिना नंबर यूज किए हम लोग नहीं कर सकते, नंबर तो यूज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कार्डिनल अप्रोच यूज करते हैं। कार्डिनल कौन निकाला था, मार्शल निकाला था, एल्फ्रेड मार्शल। इसमें ये क्या बोला था, इसमें ये बोले थे कि कार्डिनल का मतलब होता है यूटिलिटी को हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं, मतलब रियल में नहीं कर सकते हैं, पर कुछ अगर समझाना है, आइडिया क्लियर करना है, तो वी हैव टू यूज द नंबर्स, इसलिए हम लोग नंबर यूज कर रहे हैं।
हम इसको नंबर में यूज करके समझाएंगे। अब कैसे समझाएंगे, कौन सा लॉ यूज करेंगे? अगर यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन नंबर में देना है तो पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल का मतलब क्लियर है, ये रियल में नहीं होता है, पर यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोग ये अप्रोच फॉलो करते हैं और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पर ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल रियल कॉन्सेप्ट है जिसमें यूटिलिटी को फिर भी समझाया गया है बिना नंबर यूज किए। तो ये कैसे समझेंगे, ये अभी एक एक करके दोनों लॉ को पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ टर्म्स को समझना होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी का अपने माइंड के अंदर मतलब सेटिस्फेक्शन समझते हुए करना, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन वर्ड बोल नहीं सकते, ये रॉन्ग होगा। टोटल सेटिस्फेक्शन वर्ड हम नहीं यूज कर सकते, हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। तुम लोग को इसका मतलब समझ में आना चाहिए, टोटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है? तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये टेबल से समझते हैं, जो कि अभी हम बोले नंबर से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अभी हम क्या समझा रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तो अभी हम लोग ये टर्म का मतलब समझ रहे हैं टेबल से। तो जब नंबर्स यूज कर रहे हैं, इट मींस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं। उसको किस लॉ से डिफाइन किया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को पढ़ने के लिए हम लोग का दो वर्ड यूज होगा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली तुम लोग का डे टू डे लाइफ का लैंग्वेज में समझाते हैं। इस लॉ में क्या बोला गया है, देखो, अगर इस लॉ में क्या बोला है कि जब भी हम लोग ज्यादा ज्यादा चीज कंज्यूम करते जाते हैं, हम लोग को उसका खाने का इच्छा कम होता जाता है। जैसे कि क्या, जब तुम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हो और पिज्जा खाते हो, तो पहला स्लाइस जब खाते हो तो सबसे ज्यादा मजा आता है, उसके बाद जब सेकेंड स्लाइस खाते हो तो उससे कम अच्छा लगता है, जब तीसरा स्लाइस खा लोगे तो एकदम मन नहीं करेगा खाने का, बट जबकि तुमने अकेले ही मीडियम साइज पिज्जा ऑर्डर कर लिया है तो अभी वो पिज्जा तुम लोग को ही ओवर करना है, तो तुम लोग थर्ड स्लाइस जब खा रहे हो तो मन नहीं कर रहा है बट स्टिल खा लिया है तुमने, पर जब फोर्थ स्लाइस खाते हो तो पिज्जा एकदम मन नहीं करता है खाने का, पिज्जा से हेट वाला फीलिंग आता है कि अभी नहीं खाना। तो वहां हम लोग का ये तीन चेंजेस आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पिज्जा जब हम लोग खाते हैं तो जब एक स्लाइस के बाद दूसरा स्लाइस खाते हैं और फिर तीसरा स्लाइस खाते हैं, फिर फोर्थ स्लाइस खाते हैं, तो हम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल गिरते जाता है। तो व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेस। तो ये देखो डेफिनेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का। देखो ये वाला थ्योरी में हम क्लियर लिखवाएंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जब हम लोग और ज्यादा ज्यादा यूनिट खाते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। हम लोग का यूटिलिटी धीरे धीरे गिरते जाता है, सक्सेसिव यूनिट्स मतलब लगातार जो खाते जा रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट्स खाते जा रहे हैं, तो हम लोगों का यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है, गिर रहा है। इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, कोई भी पूछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो हम लोग का सिंपल आंसर होना चाहिए, जब हम लोग धीरे धीरे और यूनिट खाते जाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हम लोगों का गिरते जाता है, ठीक है? तो अब ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पर कोई भी थ्योरी लिखते वक्त हम लोग कुछ अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन क्यों करना जरूरी है, तुम लोग कोई भी थ्योरी पढ़ लो उसमें लिखेगा अजम्पशन, क्यों, क्या जरूरत पड़ जाता है अजम्पशन का? अजम्पशन लिखने से क्या होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई तुम लोग में बोलेगा कि मैम
मतलब नो ऑफेंस, बट कोई बोलेगा कि मैम पुअर पीपल के साथ ऐसा नहीं होता है, बेगर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, उन लोगों को जितना खाने दे दो उतना कम पड़ता है, वो लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी गिरता नहीं है। तो ये सही आर्ग्यूमेंट है, तो अभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होने लगेगा बेगर्स के ऊपर। अब कोई बोलेगा कि मैम जब हम लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जो लोग भी, तो अल्कोहल जितना पीते जाओ वो डिमिनिश नहीं होता सेटिस्फेक्शन। लोग अनलिमिटेड पीते जाते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अनलिमिटेड पीते जाते हैं जब तक वो फेंट ना हो जाए, सो ना जाए। तो अब वो आदमी भी सही बोल रहा है मेरे को, तो तुम लोग में से आर्ग्यूमेंट करने लगोगे कि मैम बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, तो ये डिमिनिशिंग तो सही लॉ है नहीं। तो इस आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए मार्शल ने कुछ अजम्पशन लिखा है। अजम्पशन क्या लिखा है? इट फॉलोज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर कोई बोलता है कि यूटिलिटी नंबर में मेजर नहीं हो रहा है, तो ये बोल दिया है कि हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम लोग नंबर में समझाएंगे। दूसरा, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। मतलब जब हम लोग पुचका भी खाने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पुचका के बाद जब दूसरा तीसरा पुचका खाते जाते हैं, तो एक सर्टेन टाइम पे ऐसा होता है कि और नहीं खाना। उसके बाद भी वो बोलता है अभी आपको दो पीस और लेना पड़ेगा, तो हम लोग का नेगेटिव में चला जाता है इच्छा, हम लोग को एकदम मन नहीं करता है। तो वहां पे हम लोग का टेस्ट तो चेंज हो रहा है ना। तो मान लो कि अचानक से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को पुचका पसंद ही नहीं है, ये आंसर नहीं आना चाहिए। तो मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा, मेरा सेटिस्फेक्शन गिर रहा है, पर टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। ये कंजम्पशन जो है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस से मतलब ब्रेक ले लेकर नहीं खाना है, जैसे कि हम लोग शादी के घर में, तो तीसरे में है कि जैसे हम लोग शादी के घर में जाते हैं, तो वहां हम लोग पुचका कैसे खाते हैं? पहले खा लेते हैं, सोचो 10 पीस खा लिए, उसके बाद फिर 2 घंटा इधर उधर घूम के आते हैं, 1 घंटा इधर उधर घूम के आते हैं, फिर पुचका खाने लगते हैं। और फिर जब पूरा खत्म हो गया पूरा पार्टी, तो जाने के पहले फिर से थोड़ा पुचका खाकर जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है ऐसा सब करता हो, बट मैं बता रही हूँ जनरली लोग ऐसा करते हैं। तो वहां पे हम लोग जब पहली बार खाते हैं, तो वहां तो पैसा का रीजन नहीं है, फिर भी हम लोग और नहीं खाते हैं ना, क्योंकि हम लोग को खाने का इच्छा कम होने लगता है। पर दूसरी बार जब खाते हैं, तो पहली बार से दूसरी बार के बीच में गैप रहता है, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक दिए, यहाँ उस तरीके के कंजम्पशन के ऊपर बात नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ जो हम लोग लगातार खा रहे थे विदाउट एनी ब्रेक, उसके ऊपर यहाँ पे बात समझाया जा रहा है। फोर्थ है, इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। मेरा इनकम चेंज नहीं होना चाहिए और जो पुचका का प्राइस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द क्वालिटी। मतलब पहला पुचका हम लोग बोले कि भैया इसको खट्टे पानी में खिलाओ, दूसरा पुचका बोल रहे इसको मीठे पानी में खिलाओ, तीसरा बोल रहे इसको सूखा दे दो, ऐसे नहीं खाना है। वो जो भी पीस हम लोग खा रहे हैं उसको कांस्टेंट रखना है। अगर मीठे पानी में खा रहे हैं तो सारे को मीठे पानी में ही खाना है। ये मैं समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल्स यूज कर रही हूँ। कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है एक जैसा थिंकिंग रखना। जैसे कि अगर हम सब अभी एक टेबल पे बैठे हैं और किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब जन एक ही बात बोलेगा। हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि नहीं मेरे साथ तो मैम ऐसा नहीं होता है, हम तो जितना पुचका खाते जाए उसको खाने का मेरा इच्छा कभी कम नहीं होता है। तो वो आदमी इरेशनल है। इरेशनल मतलब रॉन्ग नहीं होता, इरेशनल मतलब जो अलग होते हैं, जो बाकी लोगों से अलग बात करते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। मतलब ऐसा आदमी लोग के बारे में बात हो रहा है जो लोग जब खाते जाता है तो उन लोग का खाने का इच्छा कम ही होता है, वैसे लोगों के ऊपर बात हो रहा है। रैशनल मीन्स जो कॉमन पीपल होते हैं, जो जनरल रूल को फॉलो करते हैं। एमयू ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब पुचका जो हम लोग खाते जा रहे थे और फिर खाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी वो फोर्सफुली जब दिया तो हम लोग एकदम ही इरिटेटेड होके खा लिए। ये पूरे प्रोसेस में पैसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब तुम लोग का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि मैम मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए हम पत्ता थ्रो कर दिए। रीजन पैसा नहीं होना चाहिए।
तुम्हारा सेटिस्फेक्शन ही होना चाहिए। तो ये सारा अजम्पशन, अच्छा उस तो इस पूरे बात को हम समझा रहे हैं टेबल से और डायग्राम से। तो तुम लोग सबके पास टेबल तो है ही, टेबल देखो। तो ये क्या है, इसमें टोटल यूटिलिटी भी समझ में आ जाएगा ये वाले टेबल से। देखो जब हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे तो हम लोग को कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा, तो इसलिए जब जीरो यूनिट है तो टोटल यूटिलिटी भी जीरो है। हम लोग जब एक यूनिट खाएं तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10। जब हम लोग दूसरा पीस खाएं तो हम लोग को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 18, क्योंकि बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन, दो यूनिट खा रहे हैं। फिर हम लोग तीसरा खाएं तो फिर ज्यादा मिला, फिर फोर्थ खाए तो फिर ज्यादा मिला, पर जब फिफ्थ खाए तो और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है हम लोगों को, हम लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट हो गया है। फिर भी सिक्स्थ खा लिए फोर्सफुली तो हम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल गिर गया। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फेक्शन। एक यूनिट खा रहे थे तो 10 मिल रहा था, दो यूनिट खाए तो 9 9 मिलने लगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो हम लोग का कम होगा ही, पर दो खा रहे इसलिए जुड़कर 9 9 यूनिट, 9 9 मिला इसलिए 18 मिल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर गिर जाता है। तो ये हुआ हम लोग का टोटल यूटिलिटी, पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। देखो डेफिनेशन में भी हम लिखे हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, टोटल यूटिलिटी नहीं गिरता। जब एक एक यूनिट हम लोग खाते जाते हैं तो हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाता है। मतलब जब देखो शुरू में टोटल यूटिलिटी जब जीरो है तो एमयू भी जीरो ही होगा, पर देखो जब हम लोग पहला यूनिट खाएं तब तो 10 मार्जिनल यूटिलिटी है, पर जब हम लोग सेकेंड यूनिट खाएं तो क्या हुआ, पहले 10 मिलता था अब 18 मिलने लगा, तो कितने का चेंज हुआ, 8 से चेंज हुआ मेरा सेटिस्फेक्शन। फिर कितने से चेंज हुआ, जब थर्ड खाए तो हम लोग को 24 मिला, तो कितने का चेंज आया। तो देखो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितने का हो रहा है, पहले 10 से चेंज हुआ, फिर 8 से चेंज हुआ, फिर 6 से चेंज हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर हम लोग का नेगेटिव हो गया। हाँ तो ये जो फिगर है ये हाइपोथेटिकल फिगर है, क्योंकि ये क्लियर बात है रियल लाइफ में हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर में, पर इस थ्योरी को समझाने के लिए मार्शल ने नंबर्स का यूज किया है। अगर कोई बोलता है कि मैम रियल लाइफ में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा आंसर है रियल लाइफ में नंबर से कैलकुलेट नहीं होगा, रियल लाइफ में ऑर्डिनल से होगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, कम सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे हम लोग जब रेस्टोरेंट जाकर खाते हैं, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाता है तो वो कैसे बोलता है, अरे इस रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत टेस्टी लगा। एक फ्रेंड बोलता है नहीं मेरे को उतना भी टेस्टी नहीं लगा, एवरेज खाना था। एक तीसरा दोस्त बोलता है कि तुम लोग कैसे बोल रहे हैं, एवरेज भी था, मेरे को तो एकदम बकवास खाना लगा। तो ये रियल लाइफ में ऐसे ही मेजर होता है सेटिस्फेक्शन। हम लोग समझ जाते हैं कि जो बकवास बोल रहा है उसको लगता है बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, और तो रियल लाइफ में ऑर्डिनल यूज होता है। पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स या जो भी इसके ऊपर स्टडी कर रहा है उसे ये रियल में फील भी हो, क्लियर सब समझ में आए, इसलिए वी आर यूजिंग अ नंबर अकॉर्डिंग टू मार्शल। रियल लाइफ में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये हम हाइपोथेटिकल फिगर लिए हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी।
एक जब कंटिन्यूअसली हम लोग यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी पहले गिर रहा है, फिर जीरो पे पहुंच गया और फिर नेगेटिव हो गया। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का अब डेफिनेशन देखो, व्हेन वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, तो यही लिखा गया है डेफिनेशन में। तो यहाँ पे हम लोग का ये बात क्लियर हो गया, बट एक चीज और सिखा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट में, ये एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का क्या मतलब है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट में, इसका मतलब है देखो पहले टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा, फिर वो 18 से बढ़ा, पर 8 से ही बढ़ा ना, बढ़ तो रहा है पर 8 से बढ़ा, फिर जब 18 से 24 हुआ तो कोई भी बोलेगा इंक्रीज हुआ, पर कितने से इंक्रीज हुआ, इस बार 6 से इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज तो हो रहा है पर कम से इंक्रीज होते जा रहा है, फिर 24 से 26 तो हुआ, इंक्रीज तो हुआ पर सिर्फ 2 से इंक्रीज हुआ, तो इसको कहते हैं इंक्रीज तो हो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट में, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहा है पर हर बार कम से इंक्रीज हो रहा है, क्यों, हम लोग का सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये पूरा मतलब है ये टेबल के थ्रू, अगर इसका डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, टोटल यूटिलिटी देखो हम लोगों का टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम जगह से शुरू होता है, दैट इज फ्रॉम 10, ये 10 से भी शुरू कर सकते हैं और 0 0 से भी, ये हम लोग का मतलब हम 10 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी है। अब इसका कैरेक्टर देखो, ये पहले इंक्रीज हुआ फिर जीरो पे मतलब कांस्टेंट हो गया और फिर हम लोग देख रहे हैं कि गिर गया, टोटल यूटिलिटी ऐसा ही हुआ था, पहले बढ़ रहा था फिर 26 का 26 ही रह गया और फिर गिर गया 24 हो गया, तो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन डिमिनिशिंग रेट, देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट में, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज हो जाता है, पर एमयू कैसा होता है, एमयू लगातार गिरता ही रहता है, फिर जीरो पे पहुंचता है और नेगेटिव हो जाता है, तो एमयू कैसा होता है, 10 से ही शुरू होता है, जहां से टीयू शुरू करेंगे वहीं से एमयू शुरू करेंगे और ये फिर जीरो जहां पे देखो ये कांस्टेंट हुआ है वहां पे ही ये जीरो हुआ है, तो जहां पे वो कांस्टेंट होता है वहां पे एमयू जीरो हो जाता है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कांस्टेंट हुआ है और यहाँ पे एमयू जीरो हो गया है, ये लाइन को जो टच कर देता है वो जीरो का लाइन होता है, तो ये यहां से गिरते गिरते जीरो को टच किया और फिर नेगेटिव हो गया, लाइन के नीचे चले जाएंगे मतलब नेगेटिव हो जाएंगे, तो टीयू और एमयू अगर कोई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछता है तो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है रिटन एग्जाम में वो तो हम लिख के दे दिए, पर एमसीक्यू एग्जाम में हम लोगों को डायग्राम ये सब बनाने नहीं देगा, पर ये क्यों सीखते हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए डायग्राम माइंड के अंदर होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी एमसीक्यू में कुछ भी पूछेगा कि जब TU कांस्टेंट होता है तो MU क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, जीरो होता है कि नेगेटिव होता है,
तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, टीयू जब मैक्सिमम होता है तो एमयू जीरो होता है, तो हम लोग जीरो में टिक दे देंगे। तो ये डायग्राम माइंड में रहेगा तो लर्न बस अच्छे से होगा। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अब देखो इसके बाद हम रिलेशनशिप लिखे हैं, रिलेशनशिप के टाइम हम लोग ऐसे डायग्राम दिखाएंगे, एग्जाम में कब कैसे प्रेजेंट करना है रिटन एग्जाम में ये हम तुम लोग को दे दिए। अब इसी पेज के एकदम नीचे में देखो रिलेशनशिप लिखवाए हैं, जब टीयू इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट में तब एमयू पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो तो जीरो के ऊपर ही है मतलब पॉजिटिव है, जब तक टीयू इंक्रीज होता रहेगा एमयू पॉजिटिव रहेगा, जब टीयू मैक्सिमम में पहुंच जाएगा तो एमयू जीरो हो जाएगा, और जब TU गिरेगा तो MU नेगेटिव हो जाएगा। देखो जब तक TU बढ़ रहा था हम लोग का MU पॉजिटिव था, जब TU मैक्सिमम में पहुंचा तो MU जीरो हो गया, और जब TU गिरने लगा तो MU नेगेटिव हो गया। तो यही तीन बात सिर्फ इस चैप्टर में याद रखना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, और कुछ नहीं है इस लॉ में। अब ये पूरा पढ़ने के बाद मीनिंग बता रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, शुरू में बताते तो समझ में नहीं आता। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि देखो हम लोग जितना खाने पे तो हम लोग का इच्छा है कितना भी खा सकते हैं, पर इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है, इक्विलिब्रियम वहां अचीव होता है जहां हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मतलब अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है उसके बाद भी खाते जाएंगे तो क्या होगा, और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कांस्टेंट हो जाएगा और फिर गिरने लगेगा। तो हम लोग के एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव हो जाता है, फोर्थ यूनिट खाने से ही हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। फोर्थ अगर पहला पुचका खाएं ज्यादा यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मिला, सेकंड पीस खाएं फिर टोटल यूटिलिटी मिला, फिर तीसरा खाएं और सेटिस्फेक्शन मिला, जब फोर्थ खाएं तो फिर हम लोग को छोड़ देना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। अगर फिफ्थ भी खाएंगे तो और एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, पर उसके बाद भी और खा लेंगे तो टोटल यूटिलिटी गिर जाएगा। तो इस चैप्टर में कोई बोले कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे जहां पर हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया है वो हमारा इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर हम लोग है, हम लोग का इक्विलिब्रियम है जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इसलिए हम डेफिनेशन में लिखवाए हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन where consumer has achieved maximum possible satisfaction। consumer का equilibrium का मतलब होता है वो situation, वो जगह जहां पर हम लोगों को maximum satisfaction मिल जाए from the quantity of the commodity purchased, खरीदने पे, given his income and price of the commodity in the market। ये तो लास्ट में लिखना ही है कि हमारा जो इनकम है और उसका जितना प्राइस है वो देखते हुए हमें satisfaction जितने में भी मिल जाए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल वन वर्ड में आंसर यही है, जहां हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अभी हम समझा रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये किसने दिया है, ये हिक्स एंड एलन ने दिया है। वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया था मार्शल ने। अब इसमें हम लोग जा रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, कार्डिनल में हम कार्डिनल निकाले थे मार्शल ने, ये अप्रोच को निकाला है हिक्स एंड एलन ने। उसमें क्या था कार्डिनल में, वो नंबर में ही मेजर हो सकता है, ऑर्डिनल को नंबर का जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी बता सकता है। कार्डिनल हम लोग का रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता है, ऑर्डिनल हम लोग को रियल में जो होता है वो फैक्ट बताता है। कार्डिनल को हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, इसको हम लोग पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस से।
इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, पुराना सारा बात अभी के लिए भूल जाओ, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो पूरा एक अलग अप्रोच था, ये पूरा अलग अप्रोच है। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए पहले हम लोग को जानना जरूरी है ये इन डिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है। इन डिफरेंस कर्व का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन लेवल। इसमें हम अपना बात समझाने के लिए कोई नंबर यूज नहीं करेंगे, इसलिए थ्योरी है, ध्यान से सुनो। तो इन डिफरेंस कर्व में नंबर नहीं है, तो अभी सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे मेजर करें? इसमें हम लोग एक कर्व से, इन डिफरेंस कर्व्स के थ्रू बताते हैं सेटिस्फेक्शन। मतलब ये हम लोगों का कर्व है, कैसा कर्व है? इन डिफरेंस कर्व है। देखो, जब हम लोग कुछ यूनिट कंज्यूम करते हैं, सोचो पहला यूनिट कंज्यूम किए तो हम लोगों को पहला इतना सेटिस्फेक्शन मिला, जब हम लोग और कंज्यूम करेंगे तो हम लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर चला जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, फिर हम लोग और खाएंगे तो और ऊपर चला जाएगा। तो इन डिफरेंस कर्व क्या बताता है? हायर द इन डिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इन डिफरेंस कर्व मेरा जितना ऊपर जाएगा, हम बोलेंगे मेरे को उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है। ये एक साथ अगर एक डायग्राम में ऐसे बना हुआ है, तो इस पूरे डायग्राम को हम लोग कहते हैं इन डिफरेंस मैप। ये एक साथ जहां पे बना हुआ हम लोग को दिखता है, हम लोग कहते हैं ये इन डिफरेंस मैप है। तो इन डिफरेंस मैप का मतलब होता है सेट ऑफ इन डिफरेंस कर्व। ये सब हम नोट्स में लिखवाएंगे। तो इन डिफरेंस मैप होता है एक साथ जहां पे दो तीन इन डिफरेंस कर्व रहता है, उसको हम लोग इन डिफरेंस मैप कहते हैं। मैम, हाँ बोलो। तो ये पूरा हुआ इन डिफरेंस मैप। अब ये है मेरा इन डिफरेंस कर्व। कर्व माइंड में पहले सेट करो। इन डिफरेंस कर्व का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन लेवल। ये जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन हम लोग को समझ में आएगा कि सामने वाले को मिल रहा है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, हम लोग वन वर्ड में आंसर देंगे सेटिस्फेक्शन लेवल, और कुछ नहीं बोलेंगे, खत्म। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो गुड्स है हमारे पास। दो गुड्स है मतलब अगेन हम गुड एक्स गुड वाई नहीं ले रहे हैं, हम लेते हैं चलो पिज्जा एंड पेस्ट्री। एग्जाम में वी कांट राइट पिज्जा एंड पेस्ट्री, हम लोगों को गुड एक्स गुड वाई लिखना होगा, तो समझने के लिए ये यूज कर रहे हैं हम। तो अब हम लोग के पास दो गुड है, पिज्जा है और पेस्ट्री है। अब ये समझ लो, अब एक बार दूसरे थोड़े टॉपिक वर्ड्स को समझते हैं। एक और वर्ड होता है बजट। बजट का मतलब हर सबको पता होता है, हर इंसान के लाइफ में एक बजट होता है। तुम लोग का फैमिली में भी एक बजट होगा कि अगर हम लोगों का इनकम महीने में 10,000 है, तो हम लोग इसी के बेसिस पे अपना बजट बनाते हैं कि घर चलाना है भाई 10,000 पर मंथ में ही चलाना होगा। तो हम लोग का इनकम कितना है? 10,000 पर मंथ। तो हम लोग बजट कितना बनाएंगे? 10,000 वाला ही बजट बनाएंगे, जिसमें 10,000 खर्च हो जाए। या सेविंग कॉन्सेप्ट मत ले आना कि मैम सेव भी तो करेंगे, या सेविंग जितना हम लोग कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं। अब रियल लाइफ में तो हम लोग का बजट बहुत सारी चीजों को लेके बनता है। मतलब राशन भी, राशन में बहुत सारा चीज, सारा एक एक का सब्जी फल चावल दाल सब कुछ को हम लोग सोचकर बजट बनाते हैं। समझ लो हम लोग के लाइफ में दो ही गुड्स है, एक पिज्जा और पेस्ट्री। मेरे को अपना पूरा इनकम इस दो को खाने में खत्म कर देना है, मतलब सेव नहीं करना है। और सोचो को और कोई गुड्स नहीं है दुनिया में, हम लोग को क्या खाना है? सिर्फ दो गुड्स ही खाते हैं हम लोग एक हर दिन, पिज्जा और पेस्ट्री। तो हम लोग का बजट किसके ऊपर बनाएंगे? जितना मेरा इनकम होगा।
तो मेरा इनकम किस चीज के ऊपर बेस करता है? इनकम के ऊपर। अगर तुम लोग पूछोगे कि मैम आपका बजट क्या है, तो पहले तो हम अपना इनकम देखेंगे, तो इसके ऊपर आता है। अब समझाने के लिए हम इस 10,000 पर मंथ को 100 रुपया पर मंथ कर देते हैं, वरना बड़ा बड़ा फिगर्स यूज हो जाएगा। अब सोचो मेरा इनकम कितना है, 100 रुपया पर मंथ। हमको दो ही चीज खाना है। अब हम कैसे खा सकते हैं? पिज्जा के ऊपर 10 रुपया खर्च करेंगे, पेस्ट्री के ऊपर 90 रुपया। हम ऐसे खा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम पिज्जा के ऊपर 10 रुपया खर्च किए, पेस्ट्री के ऊपर 90 रुपया। ऐसा हो सकता है कि दोनों में इक्वल खर्च करते हैं, और हो सकता है कि पिज्जा के ऊपर 90 रुपीज खर्च किए और पेस्ट्री के ऊपर 10 रुपया। कुछ भी कर सकते हैं, 80-20 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं, जो मन करे जैसे मन करे वैसे खर्च कर सकते हैं। अभी कैसे समझ में आएगा कि कितना पिज्जा खाएं और या तो कितना पेस्ट्री खाएं कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? मतलब मेरा ना तो कुछ वेस्ट होगा, जैसे सेटिस्फेक्शन, जैसे बहुत बार हम लोग कहीं पे खा के आते हैं पर हम लोग को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मजा नहीं आता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कैसे डिसाइड करें कि पिज्जा के ऊपर कितना स्पेंड करना चाहिए और पेस्ट्री के ऊपर कितना स्पेंड करना चाहिए। हाँ हाँ, तो हम लोग जानना ये चाहते हैं कि किसके ऊपर कितना खर्च करें, मतलब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, कितना पिज्जा खाएं या कितना पेस्ट्री खाएं। तो ये जो पूरा हम लोग बना के दिए है ना हम तुम लोग को, इसको कहते हैं बजट सेट। इसको हम कहते हैं बजट सेट, मतलब कुछ भी इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, इसको बजट सेट कहते हैं। ये डायग्राम में कैसा दिखाई देगा? तो ये हम लोग को ऐसे दिखाई देगा अगर पूरा पैसा। अच्छा, और एक चीज होता है, ऐसा भी कर सकते हैं कि पिज्जा खाए ही नहीं, पूरा 100 रुपया का पेस्ट्री खा ली। और ऐसा भी हो सकता है कि पेस्ट्री खाए ही नहीं, पूरा ही 100 रुपया का पिज्जा खा ली। तो अगर हम लोग पिज्जा खाते ही नहीं है तो वो 0 है, और पेस्ट्री के ऊपर पूरा 90 रुपया, ये पिज्जा खाए ही नहीं और पेस्ट्री के ऊपर ही पूरा 100 रुपया खर्च कर दिए। ये खाए नहीं, पूरा 0 है और पूरा पेस्ट्री खा लिए 100 रुपए का। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पेस्ट्री खाए ही नहीं और पूरा 100 रुपया का हम लोग पिज्जा खा लिए। तो ये मेरा बजट सेट है, हम इसके अंदर रहकर कुछ भी खा सकते हैं, मतलब 100 रुपए को कैसे भी खर्च कर सकते हैं। कितने का पिज्जा खाना है, कितना का पेस्ट्री खाना है, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। पर क्वेश्चन ये है, मेरा फिक्स क्या क्या है? मेरा इनकम फिक्स है, हम वो चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरे को मन है हम 10 रुपया का पिज्जा खाएं और 100 रुपया का पेस्ट्री खाएं, मतलब 110 रुपया का खा ले, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मेरा इनकम कांस्टेंट है। अगर मेरा इनकम कांस्टेंट है, मेरा महीने का इनकम 100 रुपया ही है, तो हम 110 रुपया खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ वर्ड आता है बजट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टकल। कोई अगर कोई चीज करने से हम लोग को रोक रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। तो मेरा इनकम
100 है, हम 100 से ज्यादा का पिज्जा और पेस्ट्री नहीं खा सकते, ये मेरा बजट कॉन्स्ट्रेंट है, मेरे को मेरा बजट अलाउ नहीं करेगा कि हम 100 रुपए से ज्यादा खर्च करें। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है जो मेरे को रोक रहा है ज्यादा खर्च करने से, मेरा बजट, मेरा इनकम, ये लोग मेरे को रोकता है। तो ये बजट कॉन्स्ट्रेंट का मीनिंग है। तो अगर कोई पूछता है हम 100 से ज्यादा खर्च क्यों नहीं कर सकते, तो तुम लोग का आंसर होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बजट कॉन्स्ट्रेंट है, तुम्हारा इतना बजट ही नहीं है। ठीक है, ये बात भी हम समझ गए, खर्च तो हमको 100 रुपया ही करना है। बट अब क्वेश्चन आता है कि कितना कितना पिज्जा के ऊपर खर्च करें और कितना पेस्ट्री के ऊपर खर्च करें, ये क्वेश्चन एक है माइंड में सेट रखना। बजट सेट क्या है, ये है। जो इस मैक्सिमम मैक्सिमम को जोड़कर रखा है इसको हम लोग बजट लाइन कहते हैं। ये लाइन बजट लाइन है जो दो बजट का मैक्सिमम पॉइंट दिखा रहा है, और ये पूरा जो बॉक्स है ये बजट सेट है। क्लियर है सारा वर्ड? अब धीरे धीरे जा रहे हैं अजम्पशन। कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन करने के पहले हम लोग अजम्पशन पढ़ लेते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है? फीचर। पर इकोनॉमिक्स में फीचर वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इकोनॉमिक्स में प्रॉपर्टीज बोला जाता है, मतलब फीचर ही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये दिखता कैसा है, इसके ऊपर 5 बात। ये एग्जाम में आएगा जरूर, रिटन एग्जाम हो या एमसीक्यू हो, बहुत बार ये एग्जाम में कवर होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी होता क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व मतलब आईसी कर्व दिखता कैसा है। सबसे पहला, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये देखने में कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ऐसा होता है, गिरता हुआ होता है और राइट हैंड की तरफ। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ ही गिरते हुए आता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड है और राइट हैंड की तरफ गिरते जाता है। दूसरा, इसका फीचर कैसा है, देखने में ये कैसा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स शेप का मतलब क्या होता है? ऐसा शेप, ऐसा शेप को कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं, ऐसा शेप को कॉनकेव बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे इनडिफरेंस कर्व का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन या कुछ भी और दो, हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होता है, तो इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसा शेप को कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब अगर इसका तीसरा, ये देखने में कैसा है, इट नेवर टचेस एनी एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी किसी एक्सिस को टच नहीं करता है, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हम लोगों को पता है। देखो अब क्लियरली दिखेगा, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ये तो सबको पता है। इनडिफरेंस कर्व कभी वाई से टच करते हुए नीचे गया है, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये नीचे जाके ऐसे टच कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये कभी किसी को टच नहीं करता है, एक भी एक्सिस को ये टच नहीं करता है। अगर हम लोग फोर्थ में आए तो टू इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इनडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा इनडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। तीसरा,
तीसरा सॉरी फिफ्थ इन डिफरेंस कर्व जितना हायर होगा इसका मतलब है उतना हायर मेरा सेटिस्फेक्शन है। अगर पहले यहां था अब हम यहां बना दे तो हमको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हुआ है। अगर कोई ऊपर बना दे, अब हम अगर नीचे बना दे तो तुम लोग क्या बोलोगे, मैम सेटिस्फेक्शन लेवल आपका डिक्रीज हो गया है। जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे होता जा रहा है। हम तुम लोग से पूछेंगे कैसे, तुम लोग बोलोगे मैम आपने अभी इनडिफरेंस कर्व को नीचे कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग का पांच बात माइंड में फिक्स है आईसी कर्व के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब बहुत सिंपल हो जाएगा। हम लोग सारा कॉन्सेप्ट ले लिए, अब इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझेंगे, पूरा समझ में आएंगे। मेरा क्वेश्चन क्या था, कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव हुआ है, मतलब कितना पिज्जा पे खर्च करना है और कितना पेस्ट्री पे खर्च करना है, ये मेरे को कैसे समझ में आएगा। मेरे को एक इनडिफरेंस मैप दिया हुआ है, मतलब बहुत सारा इनडिफरेंस कर्व दिया हुआ है। इनडिफरेंस कर्व बहुत सारा दिया हुआ है तो हम लोग उसको इनडिफरेंस मैप कहते हैं। तो ऐसे मेरे को ड्रॉ करके दिया हुआ है और अब हम अपना बजट बनाएंगे। मेरा इनकम कितना था 100 रुपया, तो मेरा बजट लाइन कहाँ पे बना है, ये मेरा बजट लाइन है। ये हम कैसे बना पाए, मेरा 100 रुपया इनकम था और ये तो ग्राफ पेपर पे बनता है ना, तो ग्राफ पेपर में हम लोग 10, 20, 30, 40 ऐसा करके नंबर कर दिए, जहां पे 100 आ गया और यहाँ पे भी 100 आ गया, वहां का हम लोग लाइन को जोड़ दिए तो एक बजट लाइन बन गया। ये बजट लाइन भी है, मेरे पास ढेर सारे इनडिफरेंस कर्व भी है। अभी एक चीज और, यहाँ पे हम क्या बोले, हम लोग कैसे भी खा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसका 10 खा रहे हैं और इसका 90 खा रहे हैं, ये यही लिखे हैं हम ऊपर कि इसका 10 खा रहे हैं, इसका 90 खा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इसका 90 खा रहे हैं और इसका 10 खा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी 50 खा रहे हैं, इसका भी 50 खा रहे हैं। तो इसको अगर इस डायग्राम में पुट करें तो ऐसे ही बोलेंगे कि हम लोग कितना भी कैसे भी खा सकते हैं, पर बस शर्त ये है कि इस बजट लाइन के अंदर रह के खाना है। मतलब इसका 90 खा लिए और इसका भी हम लोग 100 खा लिए, ऐसा नहीं कर सकते कि उसका 90 खा लिए, इसका 100 का खा लिए, 190 रुपया का खा लिए। बस शर्त यही है कि इस बजट लाइन से बाहर जाकर हम लोग कुछ नहीं खा सकते, पर इस बजट लाइन के अंदर रहकर तो कितना भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। तो कितना खाएं, कौन सा कितना खाएं, पिज्जा पे कितना खर्च करें और पेस्ट्री पे कितना खर्च करें। तो अब यहाँ आते हैं, हम लोग का क्वेश्चन ये है कि हम लोग इस बजट लाइन के अंदर रहकर कितना भी खा सकते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को कि कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है, हाँ तो ये कैसे प्रूफ करें, इसके लिए हम लोगों का कंडीशन है, एक कंडीशन है जहां पे इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन का टेंजेंट रहेगा। टेंजेंट मतलब टच करके निकल जाना,
जहां पे इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करके निकल जाएगा वो जगह को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब हर इंसान को पता होता है, जहां पे दो चीज इंटरसेक्ट करें। जैसे डिमांड सप्लाई में बच्चे को भी पता है कि ये हम लोग का इक्विलिब्रियम है। कैसे पता रहता है? जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इज टेंजेंट टू ईच अदर, जहां पे दो कर्व एक दूसरे को टच करता है, वहां हम लोग उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसलिए हर कोई को पता है ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का ही मतलब है जहां दो चीज इक्वल हो जाए या एक चीज दूसरे चीज को इंटरसेक्ट करके काट के निकल जाए, उस जगह को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा जहां पे इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करके निकल जाएगा। तो यहां पर देखो ये एक बजट लाइन है, ये जो लाइन है ये एक बजट लाइन है और ये एक इनडिफरेंस कर्व है। कहां पे ये दोनों ने एक दूसरे को टच किया है? इधर पे। तो हम लोगों को इतना मतलब सोचो यहाँ पे कुछ भी होगा 10, 20, 30 या और ये 30 से थोड़ा ऊपर है, तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है, तो हम इसको मान लेते हैं 35, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और इसको हम 65 लिख दे रहे हैं, नहीं तो समझाने में दिक्कत होगा। तो इसका हम लोग 35 खा रहे हैं और इसका 65 खा रहे हैं। तो क्या आंसर आया कि मैम हम लोग पेस्ट्री पे खर्च करेंगे 35 और पिज्जा पे खर्च करेंगे 65। जब ग्राफ पेपर में हम लोग ड्रॉ किए, हम लोग क्या ड्रॉ किए थे वहां पे, जितना बजट बन पा रहा था, इसका 0 तो उसका 100, इसका 10 तो उसका 90, इसका 20 तो उसका 80, ऐसा करके सारा हम लोग बना लिए थे। बनाने के बाद बहुत सारा इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिए, मतलब इनडिफरेंस मैप। इसके बाद जहां पर इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करके निकल गया, उस जगह को कहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, उस पॉइंट में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो हम लोगों का इक्विलिब्रियम ये है और इस पॉइंट पे जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हुआ वहां पे जो नंबर्स लिखा रहेगा ऑलरेडी ग्राफ पेपर में, यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा हम लोग को पेस्ट्री खाना चाहिए 35 का और पिज्जा खाना चाहिए 65 का। तो इक्विलिब्रियम ऐसे अचीव हो गया। अब एक बार थोड़ा बैक आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में। देखो हर चीज का दुनिया में कोई भी थ्योरी पढ़ लो उसका लिमिटेशंस है, बुराई है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, नॉट इवन हम, मेरे टीचिंग में भी बुराई है। तो कोई भी नहीं बोल सकता कि हम 100% परफेक्ट हैं। तो वैसे ही इस लॉ का भी कुछ लिमिटेशंस है, बुराई है। जब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखवाए हैं, देखो इसमें ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को मार्शल एक्सप्लेन किया है वो अजम्पशन लेकर किया है। अजम्पशन अगर तुमको कोई भी बात बोलना है तो तुम बोलोगे मैम मान लीजिए, तो हम बोलेंगे ना कि अरे कैसे मान ले, मानना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो तुम लोग पर बोलोगे मैम अगर मान लीजिए और बोलकर पूरा बात बोल दोगे, तो मेरा पूरा थ्योरी के बाद भी तो यही क्वेश्चन रहेगा कि अरे ये बात तो तब सही है जब हम मान लेंगे, अगर ना माने तो। तो इसको कहते हैं अजम्पशंस के ऊपर बुराई। तो इस हम लोग को इसमें अजम्पशन दिया था कि इरेशनल कंज्यूमर को नहीं लेना है, सिर्फ रैशनल कंज्यूमर को लेना है। तो अगर हम पूछे कि इरेशनल कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में तुम लोग क्या बोल रहे हो, तो बोलेगा नहीं इरेशनल कंज्यूमर के बारे में तो हम लोग को कुछ नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, उसका हम लोग थ्योरी में कवर नहीं किए, तो ये बुराई है। तुम्हारे थ्योरी में सारे लोग कवर्ड होने चाहिए, इरेशनल कंज्यूमर को तुम लोग कवर ही नहीं करते हो, तो इसलिए ये इसका पहला बुराई। दूसरा है ये बोला कि यूटिलिटी नंबर में मेजर करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, बट द थिंग इज यूटिलिटी नंबर में मेजर होता ही नहीं है, तो ये अजम्पशन ही रॉन्ग है। तीसरा माइजर पीपल, यहाँ जो लोग लालची हैं, ग्रीडी हैं, उनको जितना दे दो उतना कम पड़ता है, जो हम बेगर का एग्जाम्पल दिए थे, तो उनके ऊपर भी ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। वो अभी जितना खा ले
फिर और खाने दोगे तो वो और खा लेंगी, तो उनके ऊपर भी ये थ्योरी नहीं है। फिर पैसे के ऊपर, पैसा पैसा जितना मिलता जाए उतना कम पड़ता है। कभी कोई नहीं बोलता कि मेरा अब सेटिस्फेक्शन लेवल गिरते जा रहा है, मैंने काफी सेव कर लिया है, अब छोड़ो, अब मुझे कुछ सेविंग नहीं करना। और फिर और भी वो सेव करता जा रहा है तो उसे बुरा लगता है, वो नेगेटिव में चला जाता है, उसे लगता है कि अरे और हम सेव क्यों कर रहे हैं और अर्न क्यों कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। तो पैसे के केस में ऐसा नहीं होता, वेल्थ के केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कलेक्टर ऑफ रेयर आर्टिकल। जो लोग कॉइन्स ये सब जमा करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं करेंसी जमा करती हूँ। मेरे पास पूरा स्क्रैप बुक है जिसमें अराउंड अभी तक 50 या 60 कंट्रीज का करेंसी है मेरे पास। तो मुझे जितना मिलता जाएगा मुझे कभी भी कम नहीं लगेगा। मतलब मुझे ये नहीं लगेगा कि अब मैंने काफी कलेक्ट कर लिया है, मुझे और किसी कंट्री का नहीं चाहिए। तो ये मुझे जितना देते जाओगे मुझे कभी ही सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होगा। अब तुम लोग बोलोगे मैम कंटिन्यूअसली आपको देते जाएंगे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा, कंटिन्यूअसली देते जाओ तब भी मेरे को अच्छा लगेगा। फिफ्थ है एडिक्शन, जो हम अल्कोहल को लेकर बताए थे। अल्कोहलिक लोगों को जितना शराब या अल्कोहल पिला दो वो उतना पीते जाएंगे पीते जाएंगे। जो अल्कोहलिक है, मैं उसका बात नहीं कर रही हूँ जो बस कंज्यूम करते हैं ऐसे ही, मैं अल्कोहलिक बोल रही हूँ। अल्कोहलिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मतलब कंज्यूम करते हैं। तो स्मोकर्स, स्मोकर्स को तुम कभी भी लगातार, ये नहीं कि लगातार सिगरेट पिलाते जाओगे वो पीते जाएंगे, बट स्मोकर्स भी एडिक्शन के अंदर आते हैं। तो ये 5 लिमिटेशंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ सिंगल गुड्स को ही कवर करेंगे, सिंगल कॉमोडिटी को। क्वेश्चन नंबर 10, 2 कॉमोडिटी कल करते हैं। तो सिंगल कॉमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? तो पहले कुछ बात समझ लो। पहले अगर कुछ बात का बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का रिटेन एग्जाम है, तो इसमें पहले हम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखना होगा। एमसीक्यू है तो ये तुम लोग के लिए नहीं है। फिर गिवन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी अ कंज्यूमर डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? जहां पे हम लोग को रूल बना दिया जाता है ये हुआ तो ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जैसे अभी इंडिफरेंस कर्व का हम कंडीशन बताए थे, रूल बताए थे, जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इंटरसेक्ट होगा, टेंजेंट होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो इसको कंडीशन कहते हैं, रूल कहते हैं। तो इसका रूल क्या है, कंडीशन क्या है? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होगा। कंडीशन तो ठीक है तुम लोग लर्न कर लोगे, बट इसका मतलब क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होगा? अभी आप बोले मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन और प्राइस इक्वल होगा इसका क्या मतलब? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे देखो अगेन एक जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हम लोग लाइफ में होता है हम लोग का। सोचो तुम लोग कहीं से शॉपिंग करके आए हो फ्रेंड्स के साथ, एक टॉप खरीदा है, एक टी शर्ट खरीदा है तुम लोगों ने, जो तुम लोगों ने 1000 में खरीदा है, 1000। अब तुम लोग की मम्मी पूछी कि ये टॉप कितने में लाए, ये टी शर्ट कितने में लेकर आए। तुम लोग अगर बोल दोगे 1000 और वो बोल दी 1000 में ले आए, ये टी शर्ट तो हम 600 में ले आते, तुम लोग को दुकानदार तो ठग दिया है, चीट कर दिया है, ये टी शर्ट तो हम 600 में ले आते। तो तुम लोगों को वहां पे मूड खराब हो जाएगा और लगेगा कि अरे ये टी शर्ट 600 में आ जाता, फालतू में 1000 देकर आए हैं, मेरा तो फिर 400 और बच जाता, उस 400 में हम कुछ और खरीद लेते, मेरा पैसा 400 बर्बाद हो गया, काश मम्मी को लेके जाते 600 में आ जाता। तो तुम लोगों का सेटिस्फेक्शन, तुम लोगों ने प्राइस कितना दिया है 1000, तुम लोग सेटिस्फाई कब होते? जब ये तुम लोग को 600 में मिलता। तो यहाँ तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए हो, मतलब हुए हो बट MU is less than price। तुम लोग को सेटिस्फेक्शन कम में मिलने वाला था और प्राइस तुम लोगों ने ज्यादा पे कर दिया। अब अगर ऐसा सिचुएशन हो कि तुम लोगों ने प्राइस पे किया है 1000, तुम लोग घर आए
और मम्मी ने पूछा कितने में खरीदे, बोले 1000 में। बोली अरे बहुत सस्ते में खरीद लिए हो, ये सब टॉप तो 1500 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं। तुम लोग बोले हाँ जो ऑफर में था खरीद लिए। बोली हाँ ये तो कपड़ा का क्वालिटी देख के ही समझ में आ रहा है कि 1000 में नहीं मिलेगा। तो तुम लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया है, मतलब मजा ज्यादा आ गया है कि अब हम लोग सस्ता में ले आए। तो यहाँ पे MU इज ग्रेटर देन P, पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां दो चीज इक्वल हो जाए। ये वर्ड में ही इक्विलिब्रियम का वर्ड में ही इक्वल है, तो ज्यादा और कम को इक्विलिब्रियम नहीं कहते। इक्विलिब्रियम होता है जब तुम लोगों ने 1000 पे किया और मम्मी ने पूछा कितने में खरीदा है, तुम लोगों ने बोला 1000, वो बोली एकदम सही दाम में लाए हो, 1000 ही होना चाहिए था। वहां बोलोगे तुम लोग MU इज इक्वल टू P, सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। यहाँ पे ये तो था एकदम लेमैन लैंग्वेज, जनरली था, पढ़ाई में तो ऐसे नहीं बोल सकते ना टॉप एंड टी शर्ट, तो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं। इसमें हम लोग लिखे हैं, पहले तो हम कंडीशन बताए हैं वेयर MU इज इक्वल टू प्राइस। MU X का मतलब गुड X को लेकर, तो गुड X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, गुड X। अगेन इसका कुछ अजम्पशन है, नहीं तो अगेन आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दोगे। तो इसका अजम्पशन ये है कि हम लोग नंबर में बात करेंगे, कार्डिनल यूज करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का पार्ट है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अगर कार्डिनल है तो ये भी कार्डिनल ही होगा, तो ये तो कार्डिनल है। दूसरा, प्राइस एंड इनकम इज कांस्टेंट। तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि प्राइस चेंज हो रहा है या मेरा इनकम चेंज हो रहा है, दोनों को कांस्टेंट रखो। अब जहां पे प्राइस और इक्विलिब्रियम, ये प्राइस लाइन है, ये इक्विलिब्रियम है, सॉरी ये मेरा MU है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? गिरते जाता है, तो ये गिर रहा है और ये मेरा प्राइस है। तो जहां पे प्राइस और MU इक्वल हो गया है उस जगह को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और मेरे को कितना खरीदना चाहिए? सिर्फ इतना खरीदना चाहिए। अगर हम इतना खरीद लेंगे या इतना खरीद लेंगे तो मेरे मेरे को सेटिस्फेक्शन कम या ज्यादा हो जाएगा। तो हमको खरीद कर कितना लाना है? इतना। तो अब अगर मेरा MU जो हम नीचे लिखे हैं, अगर मेरा MU तो इसमें है, अगर मेरा MU PX से ज्यादा रहता है, मतलब सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा हो जाता है, तो व्हेन ही कंज्यूम्स मोर यूनिट्स, जब हम लोग ज्यादा खा चुके हैं या ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं, द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग एक्स कीपिंग कीप्स ऑन फॉलिंग। तो मेरा एडिशनल यूटिलिटी गिरने लगेगा। यूटिलिटी मतलब अगर कोई चीज हम लोग ज्यादा खाते जाते हैं, तो हम लोगों का सेटिस्फेक्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लगता है। ये तो पढ़ के आए। तो व्हेन ही कंज्यूम्स मोर यूनिट्स, जब हम लोग ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं, हम लोग का एडिशनल यूटिलिटी गिरने लगेगा। ही कीप्स ऑन कंज्यूमिंग टिल MU X इज इक्वल टू PX। तो हमको कहाँ तक आके रुक जाना है, कहाँ तक कंज्यूम करना है? वहीं तक जहां तक MU सिर्फ P तक इक्वल हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। और इसी बात को हम लेस देन में लिखे हैं कि वेन ही कंज्यूम्स लेस यूनिट, जब हम लोग कम खाते हैं, कम कंज्यूम करके छोड़ देंगे, तो हम लोग का MU बढ़ेगा, MU बढ़ने लगेगा क्योंकि कम खाए। सोचो तुम लोग को पुचका वाले के पास खड़े हुए एक ही पुचका खाकर किसी ने पत्ता फेंक दिया, बोले चलो चलो अभी घर जाना है, तो तुम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उसको खाने का इच्छा और बढ़ गया है, क्योंकि एक पीस खाकर फेंक दिए तुम लोगों ने, तो इस सिचुएशन में और बढ़ जाएगा। तो ही विल कीप ऑन डिक्रीजिंग टिल MU। तो तुमको कैसे उसको डिक्रीज करना है और खाकर? दस MU X इज इक्वल टू PX इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कॉमोडिटी केस।